तो दोस्तों, जिस खबर के पीछे हम लोग पड़े हुए थे वो खबर आखिरकार आ गया और ये खबर रियल था और ये बिल्कुल सही था, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे दो चार दिन से कि भाई मैं सऊदी अरब आ गया, मेरा दोस्त भी आ गया, ये वो बहुत परेशान था। तो दोस्तों, ये लोग जो है बोल नहीं रहे थे कि भाई मैं इस तरह से आया, थोड़ा आदमी लोग को बता दूँ। लेकिन दोस्तों, ये खबर मैं के पीछे पड़ा तो मुझे ये खबर मिल गया और ये खबर दोस्तों इमरेट्स एयरलाइन के वेबसाइट पर छपा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पे छपा हुआ है और मैं आपको इसका डिटेल्स पूरा बता देता हूँ कि इंडिया से आप सऊदी अरब किस तरीके से आओगे। और मैं आपको बता दूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वीडियो बना के, कि कौन सा ट्रेवल वाला इंडिया से भेज रहा है। ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा ट्रेवल एजेंट से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप इंडिया से निकल लोगे, मतलब सऊदी अरब आओगे, तो पहले आपको जो है दुबई जाना पड़ेगा। जब इंडिया में आपको कोविड का टेस्ट करवा लेना है, ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो आपको दुबई जाना है। 30 दिन का विजिट वीज़ा लेकर के दुबई जाना है। दुबई में आपको 14 दिन रहना है, होटल चार्ज जो भी, बेड चार्ज जो भी, आपका वहाँ पे 14 दिन का खर्चा आएगा वो आपको पे करना है, ठीक है। वहाँ से आपको जैसे 14 दिन रहना है होम क्वारंटाइन में, उसके बाद वहाँ से आप दुबई से सऊदी अरब आएंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब आएंगे तो कौन कौन लोग आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। देखिए, बताया गया है कि दुबई जाइए, दुबई से 14 दिन के बाद सऊदी अरब आइए। यहाँ पे ऑल पैसेंजर कम्प्लीटली डिक्लेरेशन फ्रॉम सेंटर पे भरना होगा। यहाँ पे देखिए, जीसीसी सिटीजन इंक्लूडिंग सऊदी, नॉन सऊदी पैसेंजर होल्डिंग अ वैलिड वीजा एंट्री। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि री एंट्री वर्क परमिट, इकामा रेसिडेंटी परमिट और विजिट वीजा, ये लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, विजिट वीजा और री एंट्री वर्क परमिट और इकामा होल्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया अलाउ एंट्री, अलाउ टू द किंगडम सिटीज ऑफ द गल्फ कॉरपोरेशन कौंसिल जीसीसी मेंबर स्टेट एज वेल एज नॉन सऊदी, ठीक है। नॉन सऊदी जो लोग नहीं है, ये वीजा पे आप आ सकते हैं, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, ये सब, ठीक है ना। आपको बता दूँ, और यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारा गाइडलाइन बताया, अगर आप सऊदी अरब में आते हो तो आपको 2 दिन का क्वारंटाइन होगा यहाँ पे। फिर अगर PCR रिजल्ट द पोस्ट टेस्ट, तो 7 दिन या 2 दिन का यहाँ पे बताया गया, पूरा पढ़ सकते हैं। तो आप दोस्तों, इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल गया आपको कि सऊदी अरब आने का क्या प्रोसेस है, और ये रियल न्यूज़ था। इसके लिए मैं सोचा कि आप लोगों को रियल बताने देना चाहिए। उस वीडियो में आप बताया था दोस्तों कि ट्रेवल एजेंट पे भाई विश्वास नहीं करता, जो वेबसाइट पे आ जाता है, कोई वेबसाइट पे ना, तो विश्वास करना चाहिए, हाँ भाई ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ये रियल न्यूज़ है, ठीक है ना। तो अगर आपको आना है तो निकलिए, जिसका भी वीज़ा एग्जिट री एंट्री जिसका वैलिड है, एक्सपायर ना होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो कपिल अपना मालिक को बोल दीजिए कि सर मेरा इकामा बढ़वा दीजिए, मेरा वीज़ा बढ़वा दीजिए, मैं आना चाहता हूँ। और ये दोस्तों, नए लोग वीज़ा निकाले हैं, अभी फिलहाल उसके लिए अपडेट नहीं आया, देखिए कुछ दिन के बाद कहूँ अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। दोस्तों, यही था बहुत बड़ा अपडेट, जो कि मैं सोचा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। बहुत लोग परेशान थे कि भाई इंडिया से सऊदी अरब किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को परेशान नहीं था। तो इस वीडियो में दोस्तों, आप जान गए कि इंडिया से सऊदी अरब किस तरीके से आपको आना है।